नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पारिवारिक संपत्ति, यानी कि जो एक प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर जो बंटवारा किया जाता है, क्या उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है? अगर उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया और बाद में चलकर पारिवारिक सदस्यों के बीच कोई मतभेद पैदा हो जाए, हो सकता है आगे जाकर उनके बच्चों के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जो वो संपत्ति का बंटवारा किया है, जिसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया, किस माध्यम से उसको कोर्ट में एक्सेप्ट कराया जाए, ये चीज मैं आज की वीडियो के अंदर आपको क्लैरिफाई करने वाला हूं। अब दोस्तों, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि जितने भी पॉइंट्स मैं अपनी वीडियो में क्लियर करता हूं, वो सभी के सभी रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर किए जाते हैं, ताकि जब आप उनमें से कोई भी पॉइंट अपने केस के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपके पास रेलिवेंट जजमेंट है, जिसके बिहाफ से आप कोर्ट में अपना वो पॉइंट कंसीडर करा सकें। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट अपना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाए। जी हाँ, अगर आप लोग हमारे थ्रू कंसल्टेशन पाना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोगों की कोई लीगल समस्या है जिसका रिलीफ आप हमारे थ्रू पाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे 1-to-1 भी कंसल्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं पार्टीशन, यानी कि बंटवारे को लेकर। देखिए, सबसे पहले सीधा जजमेंट पर ना बढ़ते हुए आप लोगों को पता होना अनिवार्य है कि पार्टीशन कितने तरीके से किया जाता है। देखिए दोस्तों, बेसिकली पार्टीशन दो तरीके से होता है, एक होता है कोर्ट के थ्रू और एक होता है आउटसाइड ऑफ द कोर्ट, यानी कि एक कोर्ट की मदद लेते हुए और दूसरा कोर्ट के बाहर जाते हुए। देखिए, सबसे पहली सिचुएशन वो होती है जब सभी पारिवारिक सदस्य आपसी प्यार प्रेम के साथ रहते हैं, उन लोगों के बीच किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ऐसी सिचुएशन में वो सभी लोग आपसी में सहमति के साथ एक पार्टीशन डीड तैयार करते हैं। ध्यान दीजिए, मैं यहां पर पार्टीशन डीड की बात कर रहा हूं, वो लोग एक पार्टीशन डीड तैयार करते हैं। उस दस्तावेज के अंदर यह साफ रूप से निर्धारित किया जाता है कि किस पारिवारिक सदस्य के हिस्से में कितना हिस्सा उस पार्टीशन डीड के हिसाब से आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में उस पार्टीशन डीड को बनाकर उस पर सभी पारिवारिक सदस्यों के साइन लिए जाते हैं, साथ में और ज्यादा श्योरिटी के लिए दो विटनेस के साइन लेकर उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य हो जाता है। जी हाँ, ध्यान दें, उस पार्टीशन डीड को रजिस्टर करवाना अनिवार्य है। अब आप कहेंगे, सर वीडियो का टाइटल तो कुछ और है, आप वीडियो में कह रहे हैं उसको रजिस्टर करवाना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को देखें, इन्हीं के बीच में से आप लोगों के लिए पॉइंट निकाल कर लाऊंगा, रेलिवेंट जजमेंट के साथ लाऊंगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करें। देखिए, पार्टीशन डीड वो है जब हमने घर बैठे बंटवारा कर लिया। अब कई बार स्थिति ऐसी होती है कि पारिवारिक सदस्यों के बीच बहुत ज्यादा मतभेद है, ऐसी सिचुएशन में उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, और जब वो कोर्ट का सहारा लेते हैं तो कोर्ट में पार्टीशन सूट दाखिल किया जाता है। तो वहां पर कोर्ट क्या करता है, सभी पारिवारिक सदस्यों के बीच उस संपत्ति का बंटवारा कर देता है बाय मीट्स एंड बाउंड। ऐसी कंडीशन में जो कोर्ट की तरफ से डिग्री पास की जाती है वो फाइनल बंटवारा माना जाता है। ये दो तरीके आ गए दोस्तों जो कॉमनली लोगों की तरफ से किए जाते हैं। अब इन दोनों तरीकों को एक बार आप साइड कर दें, अब यहां से आपका मेन कंसेप्ट शुरू होता है दोस्तों। अब दोस्तों, यहां से हम शुरुआत करते हैं साल 2020 11 अगस्त की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट। केस डिटेल्स आपको यहां पर दिखाई दे रही होंगी, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा। अब कुछ लोग जानते हैं कि इस जजमेंट में केवल महिला को अधिकार दिए गए थे सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 को पासनर के रूप में। जी नहीं दोस्तों, इन अधिकारों के अलावा भी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज इस वीडियो में डिस्कस की गई थी, जो ओरल पार्टीशन के बारे में है, यानी कि जब पारिवारिक सदस्य अपनी संपत्ति के अंदर मौखिक रूप से बंटवारा करते हैं, यानी कि वो बंटवारा जिसको किसी कागजी तौर पर नहीं उतारा गया है, तो कोर्ट के अंदर उसको भी साबित किया जा सकता है पर रेलिवेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट के साथ। जी हाँ, अगर आप अपना मौखिक बंटवारा कोर्ट में दर्शा रहे हैं तो आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में दिखाने पड़ेंगे। पब्लिक डॉक्यूमेंट जैसे कि म्यूटेशन,
जमाबंदी, दाखिल खारिज जो म्यूटेशन ही होती है, इसके अलावा कोई बिजली का मीटर, पानी का मीटर जो सेपरेटली मौखिक रूप से बंटवारा होने के बाद आपके नाम से लगा हो, म्यूटेशन बंटवारा होने के बाद मौखिक रूप से उस संपत्ति का आपके नाम हो गया हो, तो ये सभी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ये दर्शाते हैं कि पहले आप लोगों के बीच एक मौखिक बंटवारा हुआ है, बाद में उस मौखिक बंटवारे के बिहाफ से आप लोगों ने पब्लिक डॉक्यूमेंट तैयार कराए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि अगर कोई मौखिक रूप से किया गया बंटवारा कोर्ट से साबित कराना चाहता है तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट वहां पर साबित करने अनिवार्य होंगे। ये रेलिवेंट जजमेंट में पॉइंट आपको क्लियर किए गए। देखिए, मौखिक बंटवारा एक तरफ हो गया, अब हम बात करते हैं उस पारिवारिक बंटवारे के बारे में जो लिखित रूप से भी है, और ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट भी नहीं बनवाए। ध्यान से देख, बंटवारा लिखित रूप से है पर आप लोगों ने कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं बनवा रखे, तब भी आप उसको कोर्ट में कैसे साबित करेंगे, यह चीज मैं अब आपको क्लियर करता हूं। अब दोस्तों, इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट समझनी होगी। डिस्प्ले पर देखकर आप इस जजमेंट का पहले टाइटल क्लियर कर लीजिए। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, रविंदर कौर गरेवाल वर्सेज मनजीत कौर, साल 2020 की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है। केस डिटेल्स आपको डिस्प्ले पर दिखाई दी है। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लियर किया, डिस्प्ले पर दो मिनट लगाकर आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि एक मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट जो फैमिली अरेंजमेंट के बाद तैयार किया गया है ताकि उसको इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जा सके इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, तो ऐसी सिचुएशन में उसको रजिस्टर करवाना अनिवार्य नहीं है। अब इस रेलिवेंट जजमेंट को आप अपने केस में कैसे यूज कर सकते हैं, आपको अपने एडवोकेट को इस जजमेंट का रेफरेंस देते हुए यह दिखाना है कि सर, हमें कोर्ट में मैटर इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि पहले हम लोगों ने एक मौखिक रूप से बंटवारा किया, उसके बाद इस बंटवारे को लिखित रूप से उतारने के लिए हम सभी लोगों ने ये एक पार्टीशन का फैमिली सेटलमेंट तैयार किया। ध्यान दें, जो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बात की थी वो पार्टीशन डीड थी, अब जो हम बात कर रहे हैं वो है पार्टीशन सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट जिसे कहते हैं कुछ लोग मेमोरेंडम के नाम से जानते हैं, कि पार्टीशन तो हमारा ओरली हो गया और ओरली पार्टीशन एक्सेप्टेड है। मैंने जजमेंट बताई थी विनीता शर्मा राकेश शर्मा पर, उस ओरल सेटलमेंट को लिखित रूप से हमने उतारा है जो मेमोरेंडम के रूप से माना गया है। रेलिवेंट जजमेंट बताई है रविंदर कौर गरेवाल वर्सेस मनजीत कौर, और ऐसी सिचुएशन में इस जजमेंट में क्लैरिफाई किया है कि अगर पहले कोई फैमिली अरेंजमेंट पार्टीशन हो चुका है और बाद में उसको उतारा जा रहा है मेमोरेंडम के पर्पस के लिए तो उसको रजिस्टर करवाना अनिवार्य नहीं होगा। हाँ, पर सभी पारिवारिक सदस्यों के साइन होने अनिवार्य है जिस जिसका हिस्सा उस फैमिली अरेंजमेंट के हिसाब से छोड़ा गया है। तो ध्यान दें, ये चीज इस तरीके से बिना रजिस्टर डॉक्यूमेंट होते हुए भी आप अपने केस में रेलिवेंट ठहरा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से क्लियर करने के लिए आपको ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट की भी जजमेंट एक में क्लियर कर दूं। डिस्प्ले पर आपको केस डिटेल्स दिखाई दे रही होंगी। जजमेंट का नाम है डॉक्टर संजीव गुप्ता एंड अनदर जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है वर्सेस श्री एस एस वर्मा जो प्रेजेंट को इसमें रिस्पोंडेंट है, और ये जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट पास की है ये 30 मार्च साल 2022 को पास की गई। अब दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या पॉइंट क्लियर किया, डिस्प्ले पर आपको दिखाकर समझा दूं ताकि कंसेप्ट आपको क्लियर होता चले। देखिएगा डिस्प्ले पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट क्या कहता है कि रजिस्ट्रेशन तभी नेसेसरी है जब जो फैमिली अरेंजमेंट है उसको लिखित रूप से उसी समय किया जा रहा हो। उसी समय कह रहा हूं मैं, ऑन द स्पॉट आप लोग बंटवारा करके उसको लिख रहे हो, उस समय फैमिली जो अरेंजमेंट आपने किया है या फिर पार्टीशन डीड बनाई है उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। ध्यान दें, अब आगे आपको समझिएगा, यहां पर अगर एक डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं जहां पर टर्म्स और रेसिडेंस है फैमिली अरेंजमेंट के, और उस डॉक्यूमेंट को केवल मेमोरेंडम के लिए तैयार किया है बल्कि पहले ही एक फैमिली अरेंजमेंट हो चुका है, ऐसी सिचुएशन में उसको रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है क्योंकि वो वहां पर किसी भी प्रकार का राइट डिक्लेयर नहीं करता है, और वो एक्सेप्शन में आ जाएगा सेक्शन 17 सब क्लोज 2 में, जहां पर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं होता। दोस्तों, यानी कि कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, अगर आप लोग कोर्ट में ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा इस डॉक्यूमेंट से बंटवारा हुआ है तो ध्यान दें, आपको वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाना कंपलसरी था, बट अगर आपका एडवोकेट नॉलेजेबल है, उसको रेलिवेंट जजमेंट का यूज करना आता है, तो वो इस तरीके से प्रिपेयर करके दिखाएगा कि पहले हमारा ओरल पार्टीशन हुआ है, पहले ही हमारा फैमिली अरेंजमेंट हो चुका है, बट मेमोरेंडम के लिए या फिर म्यूटेशन कराने के लिए किसी और पर्पस के लिए हमने इसको राइटिंग्स में रिकॉर्ड किया था, अब ऐसी सिचुएशन में वो एक्सेप्शन में आ गया, उसको रजिस्टर करवाना अनिवार्य नहीं है।
अब इसका बेसिक कंसेप्ट समझे, अगर आप ऑन द स्पॉट डॉक्यूमेंट बनाकर दिखा रहे हैं हमारा बंटवारा हुआ है तो वो पार्टीशन डीड मानी जाएगी, जो वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी वो रजिस्टर करवानी अनिवार्य है। बट अगर आप कह रहे हैं कि पहले बंटवारा हो चुका है अब हमने उसको रिकॉर्ड के माध्यम से उतारा है तो वो रजिस्टर करवाना अनिवार्य नहीं होगा दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो के आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक और बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट पास कर दें, जहां पर ध्यान दें अभी तो पारिवारिक सदस्य आपस में बैठकर बंटवारा कर रहे हैं, अब यहां से कोर्ट से आर्बिट्रेशन के माध्यम से जो ऑर्डर हुआ है वो भी रजिस्टर्ड नहीं था। पहले आप जजमेंट देखें फिर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा केस टाइटल है दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा के अरुमुगा वेलिया वर्सेस पीआर रामास्वामी, इसका साइटेशन नंबर है 2564 ऑफ 2012 और डेट ऑफ जजमेंट है 28 जनवरी 2022। बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है। सबसे पहले केस के फैक्ट्स क्लियर कर दूं, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लैरिफाई किया ये पॉइंट मैं आपको क्लियर करके दूंगा दोस्तों। अब दोस्तों अगर प्रेजेंट केस के फैक्ट्स आपको क्लियर करूं तो प्लेंटिफ की तरफ से यहां पर एक केस डाला गया है जहां पर वो पार्टीशन की और सूट फॉर पोजेशन की मांग कर रहा है कि संपत्ति का बंटवारा करते हुए मुझे मेरा हिस्से पर कब्जा दिलवाया जाए। पर प्रेजेंट केस में डिफेंडेंट का कहना है कि हमारी संपत्ति पर तो साल 1964 पर ही बंटवारा हो चुका है और ऐसी सिचुएशन में आज बंटवारे करने के लिए प्लेंटिफ के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। अब ये हमारा मेन केस है। सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने प्लेंटिफ के केस को खारिज कर दिया ये कहते हुए कि बंटवारा तो पहले ही हो चुका है, अब आज उनको अथॉरिटी नहीं दी जाएगी दोबारा से नया केस फाइल करने की। नाउ दोस्तों इसके बाद ये मैटर आगे अपीलियंट कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का फैसला सटीक ठहराया कि जब ऑलरेडी पहले पार्टीशन हो चुका है साल 1964 में तो वो प्रॉपर्टी आज दोबारा बंटवारा नहीं की जाएगी। अब ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील के माध्यम से पहुंचता है। तो प्रेजेंट केस में जो अपीलियंट है वही प्लेंटिफ है, उसका कहना है कि भाई प्रेजेंट केस में जो 1964 में बंटवारा हुआ है जिसकी वजह से हमारा सूट बार बार डिसमिस हो रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय साल 1964 में हम लोगों को एक आर्बिट्रेशनल अवार्ड रिसीव हुआ था। आर्बिट्रेशनल अवार्ड में आपको बता दूं, आर्बिट्रेशन एक कोर्ट में प्रोसेस होता है जब कोर्ट प्रोसीडिंग से हटते हुए पारिवारिक सदस्यों या फिर किन्हीं दोनों पार्टियों के बीच सहमति की जाती है और एक प्रकार का ऑर्डर रिलीज किया जाता है। तो पार्टी का यही कहना है, अपीलेंट का यही कहना है कि वो जो आर्बिट्रेशनल अवार्ड हमारे फेवर में इशू किया गया है वो तो रजिस्टर्ड है ही नहीं, और जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं है तो कैसे उससे बंटवारा हो सकता है। ये चीज अपीलियंट ने वहां पर अपनी डिमांड की है। अब यहां पर अपीलियंट का कहना है अगर आप हमारे रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन नंबर 17 सब क्लोज 1 क्लोज ई पर ध्यान दें तो वहां पर ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाना अनिवार्य है। अब दोस्तों इसी केस में डिफेंडेंट का यह कहना है कि नहीं, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर किसी का कोई भी अधिकार या शेयर डिसाइड नहीं किया गया, वो बस एक प्रकार का अवार्ड हमें रिलीज करके दिया है जिसके बाद फ्यूचर में हमें पार्टीशन करना था। और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ऑन द स्पॉट कोई पार्टीशन या शेयर नहीं डिसाइड हो रहा तो सेक्शन 17 क्लोज 2 सब क्लोज वी के हिसाब से उसको रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं होगा। अब यही चीज दोस्तों प्रेजेंट केस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है कि क्या उस दस्तावेज को रजिस्टर करवाना अनिवार्य था या फिर नहीं। अब दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर यही पॉइंट क्लियर किया कि अगर कोई ऐसा दस्तावेज है डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर फ्यूचर में जाकर प्रॉपर्टीज का डिवीजन होगा तो ऐसी सिचुएशन में उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना अनिवार्य नहीं है। यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लैरिफाई की और अपीलियंट की उस प्लेंट को उस अपील को डिसमिस कर दिया। नाउ दोस्तों प्रेजेंट केस में आपको समझ में आया कि अगर आप अपने बंटवारे को जो चाहे मौखिक है या फिर रजिस्टर्ड नहीं है उसको इस तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं कि बंटवारा तो पहले हो चुका है बट बाद में मेमोरेंडम के तौर पर रखा गया है, तो कितनी रेलिवेंट जजमेंट मैंने आपको क्लियर की जहां पर यह कंसेप्ट है कि उसको रजिस्टर करवाना अनिवार्य नहीं है। किंतु अगर आप ऑन द स्पॉट दस्तावेज पर किया गया बंटवारा बताते हैं तो वो पार्टीशन डीड कहलाएगा और उसको रजिस्टर करवाना अनिवार्य होगा। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली एडवाइस यानी कि डिस्कशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉल करके आप अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।